आज रिएक्शन करेंगे कायदे आजम के ट्रेलर पर जिसमें है फहद मुस्तफ़ा एंड माहिरा खान। ईद उल अजहा पर रिलीज़ हो रही है मूवी। हम टीवी की तरफ से वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हम टीवी। शुरू करते बिना किसी देरी के हैव वी गो। फिल्मवाला पिक्चर्स weekly.com। पैसों की बारिश हो रही है। जानते हो नोटों पर कायदे आजम की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। और जब भी हम कोई गलत काम करें तो वो हमें देख रहे हैं। और ये अगर ये सच है ना तो किसी पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं। मतलब करप्शन। ये सारे पैसे? अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। एक्शन भी होगा भाई। कायदे आजम की तस्वीर भी नहीं है। सुपर सुपर। गलती हो गई। हमको रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी, वरी ये मसला ही नहीं होता। ओ भाई। लगा दिए चूना। चूना लग गया पुलिस वाले को। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। काला पैसा पकड़ना है तो नए नोट लाने होंगे। ओ गुलाब, हमें लगता है खबरों में रहने वाले सो रहे हैं। सो तो हम रहे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। कायदे आजम हमें माफ कर दे। गुलाब तुम ओवर एम्बिशियस हो रहे हो। मैं सब ठीक कर दूंगा जिया। पहले खुद को तो ठीक कर लो। ओ भाई। मिनिस्टर जितने पैसे बनाए तूने, तेरे पर ईमानदारी का भूत संभालोगे। इनकी जेब गरम कर, जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। क्या बात है भाई। बेटा मैं खाता हूँ पर लगाता भी हूँ। ओ गजब। ओ तो शॉट था वो। ओ सॉलिड भाई। ओ रे गजब भाई। वो कमाल की मूवी बन रही है यार। एक्शन तो कमाल दिख रहा है इसमें। ओ गजब यार। ओ भाई ये उम्मीद नहीं थी वो आज के कमाल था यार। वाला भाई भाई ये सीन। हाँ भाई लॉजिक ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है। भाई मजा आता है देख के। वो सीन को अगर आप गौर से देखोगे तो एरोप्लेन और ऊपर से निकल के जाने वाला है। एरोप्लेन के ऊपर से वो नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है मुझे। वो तो अपन मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। भाई एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखो तो मजा ज्यादा आएगा। लॉजिक ढूंढने जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे तुम। भाई एक बात तो है, इस मूवी के अंदर कूट कूट के एंटरटेनमेंट भरा हुआ है तो कंफर्म है यार। यार वो बहुत बड़ा स्कैम करते हैं पुलिस वालों के साथ, रिश्वत देते हैं और कायदे आजम की फोटोज गायब। वो स्कैम करने वाला बंदा कौन है? वो अगर इस मूवी में दिखेगा तो वो मजा आएगा कि पुलिस वालों के साथ स्कैम कर दिया। वो जो नेता रहता है वही है भाई। बहुत भाई स्टोरी की बात करो तो मुझे ये लग रहा है कि भाई फहद मुस्तफ़ा जो बाहर से ये दिखाते हैं कि भाई मैं बहुत ईमानदार लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा करप्ट पुलिस वाले हैं, साथ में जो माहिरा खान जो उनको पसंद है, जो उनकी मोहब्बत है, वो ईमानदार लोगों को पसंद करती है, तो उसके सामने ईमानदार होने का नाटक करते हैं। लेकिन उसके सामने भी इनकी पोल एक टाइम के बाद खुल जाती है। उसके बाद इनको रियलाइज होता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, फिर ये निकलते हैं करप्शन के खिलाफ जंग पर। कमिश्नर का डायलॉग वो से लगता है, भाई मिनिस्टर से ज्यादा तूने पैसे छापे हैं, इंस्पेक्टर होकर अब तो कोई ईमानदार का कीड़ा लगा है। वो सही डायलॉग था इसमें। वही तो वही है कि मतलब फिर एंड में ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं और वो ईमानदारी का रास्ता काफी कठिन होता है। देखिए देख ही पा रहे हैं कितना कुछ करना पड़ा है, जद्दोजहद और एक्शन बहुत करना पड़ा। बट नो डाउट ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी हुई है भाई। सब कुछ इसमें, इमोशंस, एक्शन, कॉमेडी, ट्रेजिडी, सब कुछ है भाई। तो मजा आने वाला है भाई देख के। भाई अगर दो ट्रेलर में से मैं चूज करूँ कौन सा पसंद आया एंटरटेनमेंट के हिसाब से, लंदन नहीं जाऊंगा या फिर इसमें से, तो क्या चूज करेगा तू? मैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसी को चूज करूंगा भाई। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट यार बॉस, नो डाउट। मे बी अगर ट्रेलर वाइज देखूँ तो इसको मैं ज्यादा
पसंद करूंगा। मुझे ना लव स्टोरी कौन सी अच्छी रहेगी वो तो रिलीज होने के बाद ही मालूम चलेगा। देख सिंपल सी बात है, एक वजह ये भी है कि मुझे एक्शन कॉमेडी या फिर सस्पेंस थ्रिलर टाइप की जो मूवीज रहती हैं ज्यादा वो ज्यादा पसंद है। लव स्टोरीज तो ड्रामा में भी देखते हैं। हां लव स्टोरी तो हम, मैंने बोला था ना ये तो वो मेरे पास तुम वाले फीलिंग आ रही, तो वो तो हम ड्रामा में भी देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कम मिलता है, मूवीज में ही देखने को मिलता है। इस तरह की मूवीज बनना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ड्रामास भी थोड़े इस तरफ जाना चाहिए, लव स्टोरी और ये सब रिश्तेदारी शादी हटा के। हाँ कुछ तो यार अलग होना चाहिए। हाँ, यार बहुत गजब का ट्रेलर और मजा आ गया दोस्त। आप बताओ आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।